आज हरे भरे गार्डन से शुरुआत करें सुबह सुबह, जो कि अभी समय हो रहा है 5:10। और ये देखिए कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह छत पे। तो थोड़ा सा टहलने आ गई थी, सुबह तो समय हमें नहीं मिल पाता टहलने का, मतलब तो सुबह में नहीं मिल पाता, 7:30 के बीच में हमारा समय मिल जाता है। अभी समय हो रहा है 5:10। और ये देखिए चंदा मामा भी दिख ही रहे हैं, हल्का हल्का लालिमा छा गई, छल धूप है जैसे निकल चुकी थी, लेकिन हमारा छत ये नीचे वाला थोड़ा नीचे पड़ जाता है, इसलिए धूप नहीं दिखता है। जब ऊपर पूरे निकल आते हैं तो सूरज भगवान जी दिखते रहते हैं। तो चलिए आज हमारा वीडियो ये सुबह सुबह खाने से स्टार्ट है। फिलहाल अभी हमें झाड़ू नहीं लगा था छत पे टहलने गई, तो ये साग कल शाम ही को लाए थे और आज है बुधवार, मंगलवार को शाम को लाए थे, तो हमने छत पे रख दिया था कि थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन ये तो पूरा मुरझा गया हमारा साग। तो इसको क्या कर दूँ, सबसे पहले इसको अच्छे से एक एक पत्ता डंठल सारा फेंक दूंगी मैं, सिर्फ पत्तों के आज साग बनाऊंगी, क्योंकि कोई नहीं खाता, सिर्फ हम खाते हैं, पतिदेव जी खाते हैं और बच्चे पार्टी को अच्छा नहीं लगता। तो हमें इसको अच्छे से सबको निकाल लिया था पत्ता और उसको अच्छे से धो लिया था, 4-5-6 पानी से हमने धो के सूप में देखिए हमने रख दिया था, जो भी पानी एक्स्ट्रा रहेगा वो निकल जाएगा। और फ़ौरन के लिए मैं लहसुन प्याज सूखी मिर्च बस डाल के इसको छौंक दूंगी, मतलब डाल दूँ कढ़ाई में, और साथ में डालूंगी फिर नमक, ये अपना अच्छे से गलता रहेगा, बस बीच बीच में चलाती रहूँगी। तो हमने लहसुन डाल दिया, साथ में प्याज भी डाल दिया, ये देखिए, और इसको थोड़ा सा प्याज को अच्छे से भून लेते हैं, उसके बाद साग डालेंगे। तो सुबह सुबह की हमारी यही काम हो जाती है, आज तो खैर सारा काम है, बहुत सारा काम है, सारे घर के कपड़े चादर वगैरह पर्दे वगैरह सारे धोने हैं, तो इसलिए मैं सोची सबसे पहले खाना बना लेती हूँ, बीच बीच झाड़ू भी लगा लूँगी। और दो बच्चे को तो अभी छुट्टी है स्कूल का, एक जाता है अभी कोचिंग करने, तो उसको मैं टिफिन बना के दे दिया था हमने, भिंडी का भुजिया और साथ में रोटी, और फिर बनेगी हमारी भिंडी की सब्जी। तो मैंने एक ही साथ भिंडी धो दिया था सब कुछ, इसे डलिया मैंने धो के अच्छे से पानी निकलने के लिए रख दिया था, और उसी में से थोड़ा सा भुंजा हमने भूंज के दे दिया था बड़े वाले बेटे को टिफिन में, और ये हमारा सब्जी बनेगा। मैंने अच्छे से कट कर लिया बड़ा बड़ा पीसेस में इसको बस। नमस्ते फ्रेंड, राधे राधे, कैसे हो सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुबह के काम में काफ़ी व्यस्त होंगे हमारी तरह। भाई हम लोग को लेडीज़ का सुबह सुबह काम तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और धूप तो देखिए इतनी चिलचिलाती हुई धूप लग रहा है कि लाइट जले, फोकस वाला लाइट होता है ना वो जले, इतनी गर्मी से। तो खाना फिलहाल हम बना लिए हैं, भिंडी की सब्जी, लाल वाला भाजी होता है ना साग वो बना है, और चावल हमारा पक रहा है ये देखिए। और अभी झाड़ू तो लगा ली, बस सब घर में पोछा लगाना है, और काफ़ी सारा कपड़ा का भंडार है, तो ये देखिए इतना तो रखे अभी धोने के लिए पैर के पास। अब सारा पर्दा, सारा घर का चादर सारा निकालना है। और परी मैडम आई है गर्मी की छुट्टी मनाने, घर छुट्टियाँ मनाने। हेलो, बहुत देर से कह रही हमको वीडियो में, कही ना कि हम परी आ गई है, परी आ गई, हमने रुको परी आ गई गर्मी की छुट्टी मनाने ना परी, सब लोग नानी घर आए, कोई भी नानी घर आए, यहाँ के भी कितने बच्चे चले गए अपने नानी घर, परी आई यहाँ नानी घर छुट्टियाँ मनाने। देखिए मेरी इधर सलोनी को इसकी डिग्री फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है सलोनी, मेरी दादी है। तो चलिए मिलते हैं आपके बाद में, क्योंकि चावल पक गए हमारे पास आना आपको, चलते हैं। और इधर बर्तन धुल के इतना रखे हैं, और उधर कपड़ा भी सबको भी बाल्टी में गोद के 2 घंटा के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से साफ हो जाएगा, कपड़ा तो अभी नहीं धोएंगे, सबको बोर के छोड़ देंगे सर्फ में डाल के, और शाम को धोएंगे कपड़ा, बस चादर तो सारा निकाल लेते हैं, पोछा लगा लेते हैं, अब बोर के रख के नहा लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं, काफी बातें लंबी हो जाती है फिर। तो मैं अपना सब्जी बना ली थी, हमारा सब्जी साग हो गया था, बस भिंडी की सब्जी में भून के पानी डाल के मैं चली आई इधर, और उसके बाद जो भी चादर वगैरह सब धो ले के लिए निकाल देती हूँ।
क्योंकि अभी 3-4-5 दिन से हमने पूजा नहीं किया था, वही लेडीज प्रॉब्लम था। तो बाल वगैरह हमने धो लिया था, तो हम कहे चलो चादर वगैरह सब कुछ चेंज कर देते हैं। तो ये सब होता तो काम भी काफ़ी बढ़ जाता है फ्रेंड, बहुत काम बढ़ जाता है। तो बस अच्छे से सब कुछ झाड़ लेती हूँ, बेड वगैरह झाड़ के जो भी हमारा सामने बेड का है सिधाना, वो अच्छे से पोछ लेती हूँ। तो यही सब काम लगा रहता है हम लोग का सुबह सुबह का। और नहाने के बाद फिर कुछ करने का इच्छा नहीं होती, फिर एक बार शाम को कुछ कर मतलब झाड़ू उड़ू करते तो उसी से मैं कुछ करने का मन करता, वरना नहाने के बाद। तो आज सोच रही हूँ कि आज सारा काम मैं निपटा लूँगी, थोड़ा सा आंगन जहाँ हमारा पानी गिरता है, आपको पता है जहाँ पानी गिरता है वह सोच जैसा काय जैसा लग जाता, सब अच्छे से लगूँगी बर्श से, हल्का मोटा वाला नमक गिरा के काफ़ी साफ़ हो जाता है। और ये गद्दे का कवर है, ये है कि गद्दे का कवर से हमारा जान बहुत बच जाता है, गद्दा का बिल्कुल गंदे रहते हैं, ऊपर से उसको झाड़ ले तो उसको धोऊंगी, जब बच्चा पार्टी का स्कूल रहेगा तब उसको धोऊंगी, क्योंकि फिर वो लोग क्या करते हैं आते हैं आंगन में से चढ़ जाते हैं ऐसे, तो इसीलिए उसको भी रहने देते हैं, बच्चा उठा कर धो देते हैं। और ये देखिए पर्दे वगैरह सब हमने बोल दिया सरफ में डाल के बाल्टी में 1-1.5 घंटा के लिए, जब तक इधर का काम मैं निपटा लूँगी। और हमारा इंडेशन काफ़ी गंदा हो गया था, तो इसको बर्तन वाला जो मांजने वाला तो उसी से मैं लगा कि इसको अच्छे से धो देती हूँ, साफ़ हो जाएगा। गैस वगैरह हमने पोछ दिया था, बस अभी पोछा लगाना है। और खुशी को हम बोल देते तुम चादर ठीक कर देना, तो ये देखिए वो भी नहाई थी आज बाल धो के, तो बिस्तर वही ठीक कर रही थी, सारे रूम के वही बिछाइए, मैं अपने इधर कामों में लगे थी, तो सारे घर में पोछा लग गया था, बस पूजा घर में और किचन हमारा बाकी था। हम लोग चलो पोछा लगा लेते, तो किचन में हमारा लग गया, पूजा घर लग गया, बस पूजा रूम का भी चादर वगैरह हमने नहीं धोया है। इस रूम में मैं जब ऐसा रहती हूँ तो मैं इस रूम में कोई हम नहीं आ पाते, नहीं आते हैं बच्चे पार्टी ही रहे आते हैं, वही झाड़ू उड़ू लगा देते, मैं नहीं आती हूँ। और देख लीजिए कितने चिलचिलाते हुए धूप है आंगन में हमारा, तो उतना हमने कपड़ा धो के रख दिया है पाइप पे, वो अच्छे से निकल जाएगा पानी। और उसके बाद नहा लेती हूँ, नहाने के बाद मुझे मैंगो शेक, मैं बहुत देर से कह रही थी खुशी को, मैं काम कर रही थी कि तुम मैंगो शेक बना के रख दो और आइसक्रीम जमा दो इसी का, लेकिन वो नहीं सुनी। फिर नहाने के बाद खाना पीना खाने के बाद मैं जस्ट इसी काम में लग जाती हूँ, और इसके बाद वही 1 घंटा के लिए आराम करूँगी, तो इसी का मैं आइसक्रीम जमाऊँगी, बच्चा पार्टी का काफ़ी मन था। तो देख लीजिए इसको मैं अच्छे से चीनी डाल के ग्लास में डाल देती हूँ, पहले तो चम्मच डालती हूँ, लेकिन फ्रीजर हमारा छोटा है वो तो अंटता नहीं है, तो मैं जो ऐसे हमारे पास डंटर था दौरी नहीं होती है वो टूट जाती है, जिसमें आम वगैरह मैं रखी हूँ उसी का साइड का दौरी का मैं तोड़ के ले आती हूँ, एक एक छोटा सा डाल दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। तो आज का हमारा यही काम है फ्रेंड, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा, और आप भी आइए मैंगो शेक पीने के लिए। सारा दिन का काम से थकावट बनाने का मन नहीं था, लेकिन हमको पीने का इतनी इच्छा हो रही थी और पिए भी नहीं, बस रख दिए फ्रिज में, बोली शाम को मैं पीऊँगी, तो जो हमने लोटा में डाल दिया था उसको रख दूँगी, और फ्रीजर में ये देखिए हमने रख दिया है। अब चलते हैं 1-1.5 घंटा के आराम करेंगे, अब जो भी अगला काम कपड़ा लगता है वो कल वाली वीडियो में आप देखिएगा, तब तक के लिए बाय।